हुंकार भरेंगे। 5 मई को पीएम मोदी रोड शो करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे वो। रोड शो के जरिए पीएम मोदी मांगेंगे वोट। बताया जा रहा है कि रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं पीएम मोदी। चुनाव को लेकर अयोध्या में पीएम मोदी रहेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोड शो के जरिए पीएम मोदी वोट की अपील भी करेंगे। रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 5 मई को पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। वहां पर वो रोड शो करेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी चुनावी हुंकार भी भरेंगे। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में चुनावी हुंकार भरेंगे। वो रोड शो करेंगे और जनता से वोट की अपील भी करेंगे। रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव को लेकर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को आ रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 मई को अयोध्या आएंगे। बताया जा रहा है रोड शो के जरिए पीएम मोदी जनता से वोट की अपील भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को बताया जा रहा है कि अयोध्या आएंगे और वो चुनावी हुंकार भरेंगे। देखिए, बता दो, जिस तरह बात की जाए तो 5वें चरण में अयोध्या का चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ होना है। 20 मई को यहाँ मत पड़ना है, उसको लेकर के बीजेपी तैयारियों में जुटा हुआ है और बैठ के कर रहा है। इस तरह बात की जाए तो ये सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि पीएम मोदी यहाँ पर 5 मई को रोड शो करने आ रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में रोड शो करेंगे, उसके बाद जो है यहीं से जो है बाराबंकी, अम्बेडकर नगर और जो है जो कई जो है मतदाताओं को जो है साधने का कार्य करेंगे। लेकिन बात की जाए अगर, तो बहुत बड़ा यहाँ का मामला है अयोध्या का। यहाँ का जो सीट है, अयोध्या की सीट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो जिस तरह बात की जाए 4वें चरण में जो चुनाव हो रहा है आपके कानपुर में, वहां से इसके रोड शो की शुरुआत करेंगे वो, और उसके बाद यहाँ 4 तारीख को वहां शुरुआत करेंगे, उसके बाद 5 मई को अयोध्या में शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी तक जो है किसी भी यहाँ के पार्टी कार्यकर्ता से या उससे सांसद से बात नहीं हो पाई है। ये कई सूत्रों से पता लगा है कि उनके आने की तैयारी यहाँ जोरों पर चली है। जिस तरह बात की जाए तो जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, लोगों से संपर्क बना रहे हैं और रोड शो में आने की अपील भी कर रहे हैं। तो अयोध्या में जिस तरह से पूरा अयोध्या राममय तो थी ही, लेकिन जिस तरह से चुनाव आ गया है उसको लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। और जो यहाँ के सांसद लल्लू सिंह है, वो बैठकों का दौर उनका चल रहा है। बगाड़ा संगठन के लोग बैठक कर रहे हैं और जो है यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से अयोध्या की बहुत महत्वपूर्ण सीट है, उसको लेकर चर्चाओं का विषय भी जारी है। तो जिस तरह बात की जाए तो उनके मोदी जी का आने का जो कार्यक्रम है वो, उसको लेकर के तैयारी की भी जा रही है। लोगों का कहना है, जो पार्टी कार्यकर्ता के कुछ लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि उनका आना 5 मई को तय है। जिस तरह से 5 मई को यहाँ पर वो आ रहे हैं और यहाँ पर बकायदा रोड शो करेंगे, इससे पहले 30 तारीख को भी यहाँ पर आए थे, 30 जून को जन्म को, और उसको आकर के आने के बाद जो उन्होंने जो रोड शो किया था, बकायदा जो है जो एयरपोर्ट से शुरू किया था रोड शो, उसके बाद उन्होंने अयोध्या धाम तक खत्म किया था। तो बकायदा उनका स्वागत अभिनंदन किया गया था और रोड शो उनका सफल रहा था। उसके बाद चुनाव के बाद चुनाव जो है लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के रोड शो यहाँ करने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें संतों महंतों की बहुत खुशी भी है, इसके है यहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि मोदी यहाँ पर रोड शो करने आ रहे हैं और यहाँ पर सांसद लल्लू सिंह के जो चुनाव है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहाँ पर